Hi everyone, I am so excited today for the video. Why? Because festive season aa chuka hai and I'm going to show you my top makeup recommendations which I highly recommend for the festive makeup looks. So first up, I'm using this primer which is my ultimate favorite. It hides your pores, it makes your skin absolutely smooth for a perfect base. And also to let you know, I've already prepped up my skin before doing the makeup. Now this is an orange lipstick which is beautiful to cancel out any darkness on your face, including your dark circles or anywhere on the face. Kahin par bhi darkness hai, to pehle orange lipstick lagana is a great idea. Moving on to a concealer palette which is cream based. Now this has a great coverage and you have to choose the right shade of contour or for highlighting. Now with a fluffy brush, I'm going to blend it very well so that it does not crease later. इसके बाद हम पाउडर भी लगाएंगे, डोंट वरी. नाउ इट्स टाइम फॉर द चिन. आई एम कंसीलिंग दिस चिन पार्ट बिकॉज मैंने उस पर ऑरेंज लिपस्टिक लगाई थी, सो उसको भी कंसील करना होगा. एंड नाउ आई एम यूजिंग द फाउंडेशन आफ्टर वेटिंग माई ब्रश. नाउ फाउंडेशन को आई एम गोना इवनली पुट डॉटेड वे में ऑल ऑन माई फेस एंड ऑल्सो ऑन योर नेक. डोंट फॉरगेट योर नेक बिकॉज अल्टीमेटली हमें दिखना है एक सिंगल पीस में, नॉट डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट कलर्स ऑफ योर स्किन, राइट. So, इस तरह से वी आर गोना डॉट इट ऑल ओवर द फेस एंड नाउ आई एम गोना अगेन यूज दैट ब्रश फॉर ब्लेंडिंग इट स्मूथली एंड मेकिंग दिस फेस लुक इवन आउट विथ द वन कलर आई हैव चोजन फॉर द फाउंडेशन. एंड धीरे धीरे डैप करो. यू कैन ऑल्सो यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर विच विल बी अ बेस्ट ऑप्शन, बट आई वॉज यूजिंग दिस ब्रश बिकॉज आई न्यूली गॉट इट फ्रॉम अमेजोन. एंड दिस इज माई DIY पाउडर फॉर द फेस जो मैंने लगाया है. सॉरी कैमरा पे नहीं दिखाया. नाउ नेक्स्ट अप इज दिस ब्यूटिफुल पैलेट विच इज इन द न्यूड शेड कैटेगरी फॉर क्रिएटिंग दिस लुक. क्योंकि मैंने ड्रेस पहनी है बहुत ज़्यादा ब्राइट, सो आई थॉट कि आई मेकअप थोड़ा न्यूट्रल और थोड़ा गोल्ड बेस में करूँगी सो दैट द फेस्टिव लुक्स कम्स आउट रियली वेल. सो ये है एक ब्यूटिफुल सा ग्लिटर, ये भी क्रीम बेस्ड है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है इफ़ यू अप्लाई दिस ओवर अ ब्लैक आई शेडो स्पेशली. और इस तरह से विद दिस ब्रश आई एम गोना स्प्रेड इट लिटिल मोर. यू कैन यूज़ योर फिंगर्स प्रॉपरली, बट मेरे को ब्रश यूज़ करने का बड़ा मन था बिकॉज इट्स अ फैंसी सा ब्रश है. नाउ मूविंग ऑन टू द लोअर लैश लाइन, हमें सेटल करना है पहले तो. एंड नाउ आई एम गोना यूज़ अप द पेन लाइनर विच इज़ एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू यूज़. और ऐसे मेकअप लुक्स में पेन लाइनर इज़ वेरी हैंडी. तो इस तरह से आई एम गोना डू माई बोथ आईज एंड मेक इट लुक कम्प्लीट. बट येस, एक और स्टेप बाकी है which we're gonna come up with this mascara. This is the base coat of the mascara. और इसको मैंने दोनों आँखों पर लगाया है, आई लैशेज ऑन द टॉप एंड ऑल्सो एट द बेस. नाउ जब तक ये सूखेगा, नाउ आई एम गोना डू मोर ऑफ द आई मेकअप एंड आई एम गोना यूज द लोअर लैश लाइन को भी मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगी विथ द आई शेडोज कलर्स आई हैड शोन यू. एंड नाउ इसे और डीपली डिफाइन करने के बाद, ब्रश से और स्मच कर लेने के बाद, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक. I think it's looking pretty standing out. The eyes are popping out really well. Now ab hum second layer of mascara lagayenge and the eyes will be now complete. Brows maine already off camera kar liye hain. Uska bhi main product link aapko description mein dal dungi. These are fabulous products which I love using again and again and I highly recommend for festive looks especially because these are long lasting, great quality and also not heavily priced. So there are so many options available. You can pick from your, you know, according to what suits your budget. Now this is a powder blush. You can also use a cream blush. Recently, मैंने cream blush के ऊपर video भी किया था. You can go check that out. There are a lot of options on Amazon to choose. Now I'm also doing contouring from the same face palette which I had shown in the first के कुछ clippings में. And now I'm going to blend it all in with a nice powder highlighter. फेदर ब्रश यूज कर रही हूँ, सॉरी फैन ब्रश. टाइम टू लाइन द लिप्स एंड कम्प्लीट द मेकअप लुक विथ योर फेवरेट लिपस्टिक. राइट नाउ आई एम चूजिंग दिस स्टनिंग कलर विच इज इन कोरल शेड विथ पीची अंडरटोन्स. आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द वे इट वॉज लुकिंग विथ माई आउटफिट, सो आई डिसाइडेड टू पिक अनदर शेड विच वॉज ब्राइटर एंड मोर पिंक. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑल मिक्सड अप टुगेदर एंड दिस इज हाउ माई फाइनल लुक इज. इट्स वेरी सिंपल
yet very glam? What do you think? Let me know in the comments. Sare product ke links will be in the description. I hope you like the video, and if you do, don't forget to hit the like button, share and subscribe with your friends. I will see you in the next video super soon. Thank you so much for watching. Bye.